हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में मेवात और नू में बिट्टू बजरंगी ने कुछ बातें कही और उससे माहौल खराब हो गया, फिर जातीय दंगे हो गए। उसके बाद दलितों के ऊपर अटैक होने लगे। उसमें बाबा साहब अंबेडकर का एक चित्र बड़े अलग अंदाज में जलाया गया है। मुझे लगता है ये भारत में पहली बार हो रहा है। दलितों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, बुद्धिस्ट को क्या इस देश में रहने का अधिकार है या नहीं है, एक बार कह दो। आप मुसलमानों को मारे जा रहे हो, आप क्रिश्चियनों को मारे, मणिपुर में क्रिश्चियन लड़कियों का बिल्कुल कपड़े निकाल के उनके ऊपर बलात्कार करके परेड निकाला गया, ये भारत को शोभा देने वाली बात नहीं है। बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस घर पे बुलडोजर चलाया गया हरियाणा में जिस घर में हिंदू छुपे हुए थे, हिंदुओं को बचाया जिस आदमी ने, और उनको उनके गांव छोड़ने गया, वो गांव छोड़ के वापस आए तब तक उसका घर ही बुलडोजर से खत्म किया गया था। तो ये भाईचारा जो है वो ऐसा रहेगा तो टिकेगा कैसा? तो ये बहुत ऐसा है कि मुझे, मेरे ख्याल से बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पैसे यानी रुपये का गिरा हुआ दाम, ये सब को देखते हुए बीजेपी को ये लग रहा है, सत्ताधारी पक्ष को ये लग रहा है कि अब चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो देखा गया, जिस तरीके से पार्टी तोड़ी जाती है और बीजेपी को समर्थन देना पड़ता है, जैसे शिवसेना तोड़ी गई, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ी गई, और उनको सबको ऊपर से प्रेशर आता है और वो मोदी साहब और सबके साथ शामिल हो जाते हैं। सर, संविधान रचयिता माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये हमेशा से नफरती और फासिस्ट ताकतों की नजरों में खटकते रहे, तो कहीं ये जलाकर संविधान उनके और भारत को जो उनको हाथ में लेना है, उनके बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है संविधान। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसको हटाएंगे तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो कहीं ये जलाकर ये बताने की कोशिश तो नहीं की जा रही कि ये उनका गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसके बहुत ऊपर चले गए। दुनिया में कहीं पे भी शोषण है, कहीं भी अत्याचार है, और उस लड़ाई का अगर आदर्श कोई होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। कल भी देखो आप कि आपके यानी जो मोर्चा कल अमन मोर्चा निकला, उसमें बहुत ज्यादा दलित लोग शामिल थे, भीम आर्मी से भी लोग हैं। वो तो मेरा दोस्त है चंद्रशेखर, बहुत। तो हम सब एक विचारधारा के हैं। सर, हर जगह पुलिस को पत्र व्यवहार किया जा रहा है, हर चौकी, हर जगह। जब बाबा साहेब अंबेडकर की जो जलाई जा रही है इस फोटो को, उसके खिलाफ हर चौकी में FIR होना चाहिए। तो हम ऐसा है कि पहली चीज है हमने हरियाणा गवर्नमेंट से कहा है कि तुम पहले वो जो चेहरा दिखा के फोटो जला रहा है तो उसकी हिम्मत कितनी है, उसको पहले अरेस्ट करो। लेकिन हरियाणा सरकार कुछ करे तब ना। मणिपुर में जो हो रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, बेशरम मुख्यमंत्री देगा तब ना। नू में जो हुआ, मेवात में जो हुआ, क्या ये देश को शोभा देता है क्या?